मधुरास्थलिके राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान उद्धव कुंड है। ये उद्धव कुंड गुरु जी का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान है। जब गुरु जी के साथ में हम परिक्रमा करते थे, उस समय भक्ति जीवन जनार्दन महाराज, जो बड़े रसिक भक्त है, ये बड़े रसिक भक्त है, इनको साथ में और गुरुदेव और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज, सबके सब यहाँ पर आते थे। विशेष करके गुरुदेव यहाँ पर आकर के भावाविष्ट हो जाते थे। बोले क्यों? कभी ये ऐसे के स्थान है जो स्थान ब्रज प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, इसका ऊपर में और कुछ है ही नहीं। जहाँ पर आने पर ये चीज हमारी उपलब्धि का विषय होता है, इसलिए ये अत्यंत अत्यंत गुरु जी का प्रिय स्थान है। इसलिए जो स्थान है, जो उद्धव कुंड है, अभी अब लोग तीर्थ महाराज से मैं जब से आ रहा हूँ, तब से जब कहीं विशेष कहीं प्रेम का स्थान होना, ब्रज प्रेम विशेष करके महाराज जी तीर्थ महाराज को सब स्थान पर महाराज बोलने के लिए देते थे, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छे तरह से तीर्थ महाराज ये ब्रज प्रेम को, गोपियों के प्रेम को अच्छी तरह से कहीं भी जाते थे। कहते ये ब्रज का ये यही सार है, इसलिए तीर्थ महाराज बोलते, तभी से भी बोलते भी आ रहे हैं महाराज। इसलिए ये उद्धव कुंड है। अभी प्रश्न है, कृष्ण ये उद्धव जी को क्यों ब्रज में भेजे, इसका क्या कारण है? यहाँ पर श्री गुरुदेव चार पांच कारण गुरुदेव बताया करते थे। इसका पहला कारण है, भैया कृष्ण भेजा क्यों? पहले गरज किसको पड़ा? बोले कृष्ण को पड़ा। लेकिन प्रेस से कोई खबर कृष्ण को पास में नहीं आया, कृष्ण स्वयं श्री उद्धव जी को भेजे। बोले कारण क्या? बोले गरज किसको है? गरज कृष्ण को है। बोले क्यों गरज कृष्ण को है? बोले कारण है, गुरुदेव कहते थे अभी कृष्ण भी ब्रज विरह में विरह नित्य और ब्रजवासी भी कृष्ण विरह में विरह नित्य, दोनों को विरह में। लेकिन अभी ब्रज में जो गोपियां हैं ये सबके सब समझ आती है, होने का नाते जैसे आप बहुत ज्यादा दुखी होना, अगर हृदय की बात आप किसको उघार करके बोल दो, निकाल करके, आप देखना हृदय शांत हो जाता है हृदय। लेकिन अगर ज्यादा दुख अगर हृदय की भाव को अगर प्रकाश नहीं कर पाओगे ना, देखना पागल बन जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर पागल बन जाओगे। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया ब्रज में तो समझ आती है भाव है, एक दूसरों के हृदय को बोल करके हृदय को हल्का कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं जिसको मैं अपना हृदय को खोल करके बोलूं। क्यों? यहाँ पर सबके सब ऐश्वर्य भाव से भक्ति करने वाले। अभी ये ब्रज गोपियों की भाव इतने महान, अगर बोलू ना ये क्या पागल सो ग्वालिन और कंडा बिनने वाली दधी मंथन करने वाली इनका क्या बात करे, कहते इनकी बात को समझने वाले कोई है नहीं। इसलिए कृष्ण देखा, कहते अगर ये जो उद्धव जी हैं, ये उद्धव जी सारे पाठ को तो पढ़े हैं, उद्धव जी इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े, कहते कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत सखा और शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। ये उद्धव कैसे है? बोले कृष्ण नाम प्रवर मंत्री, कभी ये मंत्री है, कृष्ण को अगर कोई परामर्श लेना हो, कभी उद्धव जी से परामर्श लिया करते थे। इतने बुद्धिमान उद्धव जी, इतने बुद्धिमान इसी जगत में उनको कोई टीचर ही नहीं मिले जिसको पास में ये पढ़ाई किए, इसलिए उनको स्वर्ग में कहाँ पर भेजा गया? श्री बृहस्पति को पास में, वहीं पर पढ़ करके आए। इसलिए गुरुदेव कहते थे उन्होंने तो सारे विद्या को वहां पर पढ़ी है, लेकिन एक अध्याय अभी बाकी रह गया। बोले कौन सा अध्याय? बोले ये प्रेम की पाठ अभी तक उन्हें नहीं पढ़े, यही पाठ अभी उनके बाकी रह गया। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ऐसे कोई व्यक्ति है कि आप ब्रज में द्वारका में जिसको हम वृंदावन में भेजे, भेज करके वहां जाकर के पढ़ाई करे। कहते वहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका प्रिंसिपल स्वयं श्री राधा रानी और प्रोफेसर ये ललिता विशाखादी ये प्रोफेसर है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया यहाँ पर ऐसे कोई क्वालिफाइड पर्सन, कोई स्टूडेंट है क्या? क्योंकि जैसे हाई फाई कॉलेज होना
इसलिए हाई फाई स्टूडेंट भी होनी चाहिए, 90% ऊपर रखने वाले कोई स्टूडेंट होनी चाहिए, तभी वहाँ पर एडमिशन हो सकते हैं। अभी कृष्ण देखा बोले यहाँ पर तो पूरा के पूरा क्वालिफाइड पर्सन कोई है नहीं, लेकिन ये थोड़ी बहुत है, बल्कि इसको अंदर में, बल्कि ये उद्धव जी के अंदर में, अगर मैं उद्धव जी को भेजूं इसी कॉलेज में एडमिशन होकर के वो पाठ को पढ़ करके आए, जब पढ़ करके आए है ना, फिर मैं अपना हृदय की बात को उसको मैं खोल करके बोल सकता हूँ। इसलिए उन्होंने कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में गुरुदेव के तभी उन्होंने ब्रज में भेजे। उसका तीसरा कारण, कृष्ण सोच रहे हैं जगत में ब्रज प्रेम ही सर्वोत्तम प्रेम है, लेकिन ये प्रेम को जगत में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। अभी ये प्रचार जो करूंगा, लेकिन अभी कौन जाकर के ये बात को पढ़ करके देख करके आए और बोले, सब लोग विश्वास करे, बोले एरे गेरे व्यक्ति अगर कोई बात को बोलेगा ना, भाई इसका बात का क्या महत्व है, लेकिन अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कोई बात को अगर कोई बोलता है ना, बोले भैया इसमें कुछ दम है, हाँ? अगर मोदी कोई बात को बोले ना, भैया प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, भैया ये बात में तो जरूर कुछ ना कुछ दम है। इसलिए कृष्ण सोचे अभी कौन ऐसे व्यक्ति जो कि जा करके ये बात को पढ़े देखे और बोले, तब देखा ये उद्धव जी। बोले क्यों? बोले ये उद्धव जी है, कहते भक्त ये चूड़ामणि है, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते उद्धव न तथा में प्रियतम आत्म ज्योनिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवा। हे उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय हो, मेरे पुत्र ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, मेरे हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी अंकसायनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, एवं मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु भी नहीं, कहते मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो, इतना प्रिय श्री उद्धव जी। इसलिए जो ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी, प्रेमापर और प्रेमातुर, भक्तों का अंतिम छोर है, इसको ऊपर में फिर किसका नाम ही नहीं लिया, किसका नाम ही नहीं लिया। अगर ये जाकर के वहां पर पढ़ करके आए, अगर पंचमुह में ब्रज गोपियों की महिमा को बोले ना, बोले भैया जब उद्धव जी बोल रहे हैं, भैया इसमें तो कुछ दम जरूर है, कुछ ना कुछ दम है। इसलिए गुरुदेव सब पैंट को उत्थापन करते थे, इसलिए उन्होंने ब्रज को वहां पर उन्होंने उद्धव जी को भेजा। लेकिन जब उद्धव जी को भेज रहे थे ना, उद्धव जाने के लिए तो तैयारी नहीं हो रहे थे, बोले प्रभु आपको छोड़कर मैं जा ही नहीं सकता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगेगा। कृष्ण ने कहा है उद्धव, 1% तो मैं यहाँ पर हूँ, 99% तो मैं यहीं पर हूँ, वहां पर जब जाओगे ना मेरे को तो भूल जाओगे, पूरा पूरा भूल जाओगे। सचमुच से उद्धव जब ब्रज में आए ना, आकर के उन्होंने कृष्ण को भूल गए। इसलिए हम कहते हैं ना, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर के एक पग कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। इसलिए सचमुच से जब उद्धव जी ब्रज में आए, कृष्ण उनको एक झलक, कृष्ण रहते समय कैसे ब्रज संपूर्ण हरा भरा कैसे था, सबके सब प्रेम में, कैसे आकर के देखा कि सबके सब गया गोदोहन कर रहे हैं, पात्र लो ले आओ, और सारे ब्रजवासी कैसे आनंद में उत्फुल्ल है, और सबके सब गा रहे थे गोविंद दामो दर माधवे ते, गोविंद दामो दर माधवे ते, गोविंद दामो दर माधवे ते, गोविंद दामो दर मा। इसलिए उन्होंने सचमुच से दिखा दिया कृष्ण ब्रज छोड़ करके, क्योंकि उसमें एक प्रश्न को प्रकोष्ठ में विरह है और एक प्रकोष्ठ में मिलन है, वो चीज को उन्होंने उपलब्धि करा दिया। सचमुच से कृष्ण तो ब्रज छोड़ कर कहीं गए नहीं, एक चीज। दूसरा चीज है सिखाए, जो उद्धव साक्षात कृष्ण के पास में रहता था, लेकिन आ करके ब्रज में कितना महीना रह गया महाराज, अगर 10 महीना उद्धव जी ब्रज में 10 महीना कैसे रह गए, फिर जो कृष्ण को छोड़कर रह नहीं सकता, कारण क्या? यहाँ पर कारण बताए, जेखाने वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण भक्त है, जैसे गुरुदेव हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ब्रज में रहते थे, लेकिन अक्सर करके ज्यादा उन्होंने कहीं विदेश में बिताया। बोले क्यों? जहाँ शुद्ध भक्त जाता है ना, मैंने देखा जो वृंदावन में नित्य वास करते हैं, वो भी वृंदावन में वास छोड़कर कहाँ चले गए, बोले गुरु जी को साथ में गए, जैसे हमारे माधव महाराज जी, और जो भक्त लोग पूरा पूरा किसको साथ में, गुरु जी को साथ में। बोले क्यों? बोले जहाँ शुद्ध भक्त रहता है,
जहाँ उनकी कथा मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी मंदा निकली की नदी जहाँ पर बहती है वही पर ही वृंदावन जिन्होंने वैष्णवगण सही स्थाने वृंदावन गिरी तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन और प्रकट ने साक्षात भादिनी कहाँ पर जहाँ पर हरि कथा हो यहाँ पर कृष्ण रहते हुए भी उद्धव जी वहाँ पर दस दस महीना रह गए और उन्होंने जो ब्रज गोपियों की जो सर्वश्रेष्ठता को उन्होंने देखा उद्धव जी बड़े अभिमान को लेकर गए थे बोले यार इनको समझाना कोई बड़ी बड़ी बात इनको चुटकी बजाते हुए कंडा बिनने वाली दधी बंधन करने वाली इनको तो चुटकी बजाते हुए समझा दूंगा लेकिन कृष्ण को पता था ये कुछ भी नहीं कर पाएगा इसलिए जब उन्होंने नंद बाबा को उन्होंने समझाने के लिए कोशिश की जिस चीज को समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे वो उल्टा हो रहा था गोपियों ने तो उद्धव जी को ऐसे ऐसे प्रश्न की जिस प्रश्न के उन्होंने जवाब नहीं दे पाए इसलिए गोपी प्रेम की था और जब उन्होंने श्री राधा रानी की प्रेम को उन्होंने दर्शन की कैसे कमल पुष्प की सज्जा के ऊपर लेट करके रखा शरीर में अगुर कर्पूर चंदन को कैसे लगाया कृष्ण विरह में ऐसे विरहानित हो एक सेकंड में सबके सब चुर चुर हो रहा था इसलिए गुरुदेव कहते थे उद्धव जी जैसे कोई टोपी हो ना जैसे एवरेस्ट रहे जैसे हिमालय पर्वत अगर उसको देखो ऐसे देखते 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 क्या होता है छोटी छोटी गिर जाती है टोपी गिर जाती है इसलिए गुरुदेव कहते थे ये ब्रज प्रेम को राधा जी की ब्रजवासियों को प्रेम को देख करके उद्धव जी के सर पर जो टोपी था ना किसी चीज की ज्ञान की जो टोपी थी वो टोपी गिर गया इसलिए बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल ज्ञान बजाय डुगडू की बाजे प्रेम की ढोल इसलिए कृष्ण को पता था ये कुछ भी नहीं समझा पाएगा कृष्ण लास्ट में बोले हे उद्धव तुम तो कोशिश ही करना लेकिन जब किसी तरह से नहीं समझा पाओगे ना एक काम कर लेना बोले किया बोले ये काम करना उनको बोलो आंख बंद करके बैठ जाओ जब वो आंख बंद करके बैठ जाएंगे मैं स्वयं वहां पर प्रकट होऊंगा क्योंकि मेरे बगैर उनका विरह दूर होने वाले नहीं तब उद्धव जी उनको बोले आंख बंद करके बैठ जाओ जब बैठ गए ना कृष्ण स्वयं वहां प्रकट होते हैं प्रकट होकर के जोग माया के द्वारा उन्होंने रास लीला हिंदो लीला जल विहार उनने सब कुछ लीला उनको साथ में उन्होंने संपादन करते हैं और लास्ट में उद्धव जी अभी तीर्थ महाराज जी बता रहे थे ना पांच श्लोकों के द्वारा उन्होंने ब्रज गोपियों की महिमा को गाए और लास्ट में कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु अभिस्नक्ष जासाम हरि कथोद गीत पुनाद भुवन त्रयम देखो चलो प्रभुपाद जी अच्छी बात कहते थे उद्धव जी लास्ट में क्या मांगे बोले ब्रज गोपियों के चरण की एक धूल गुरुदेव कहते थे भैया एक धूल किसकी बोले राधा रानी की बोले उद्धव जैसे व्यक्ति कहते जिनके चरण की एक धूल को वंदना करते थे अगर इनके एक धूल राधा जी की गिर जाए ना जीवन सार्थक हो जाएगा तो प्रभुपाद का कहीं लेक्चर है वो कहते हैं जब हम ब्रज दर्शन कर रहे हैं बताओ कितना धूल शरीर में नहीं पड़ रहा है कितने धूल शरीर में नहीं पड़ रहा है बताओ ब्रज धूल में क्या हमारे जीवन सार्थकता नहीं होगा इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो व्यक्ति ये ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो धूल है वो चिंता मणि यहाँ धूल कोई साधारण वस्तु नहीं जब हम चल रहे हैं वैष्णव का चरण धूलि ब्रज रज इसलिए ये समझो हमारा जीवन जरूर धन्य हो रहा है क्योंकि इतने चरण धूलि हमारे सर के ऊपर में पड़ रहा है इसलिए यही पर उद्धव जी बोले त्रिना गुल्म औषधि नाम कहते यहाँ की हमें घास जन्म हो जाए बोले घास जन्म क्यों पाना चाहते हैं बोले ब्रज गोपियां जब श्रृंगार करके जब श्याम सुंदर के साथ में उन्होंने अभिसार करने जाएंगी चल कर तो जाना ही पड़ेगा अगर घास बन रहेंगे तो इनके चरण की धूल बन जाएगी कहते लता बनना चाहते हैं बोले क्यों बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे कुंज कुंज में कितने मधुर से मधुर लीला करेंगे अगर कुंज बने रहेंगे तो दर्शन तो मिल जाएगा कहते औषधि वृक्ष बोले औषधि वृक्ष के रूप जाना चाहते हैं बोले अगर कभी बीमारी में पड़े अगर कभी दवा लिए ना बास उनकी हृदय में चला जाऊंगा इसलिए उद्धव जी यहीं पर ही ब्रज गोपियों की राधा रानी के प्रेम की सर्वोत्तमता को उन्होंने यहीं पर स्थापन किए इसलिए ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहीं पर आए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं वैष्णव लोगों से हरि कथा सुनकर गुरुदेव कहते थे कि बात को कभी कभी गुरुदेव कोई टोटी करता अरे नारायण महाराज ब्रज कथा राधा रानी गोपियों की कथा गुरुदेव कहते थे भैया अगर एक जीवन में अगर हमारी जो लक्ष्य है ना
एक जीवन में अगर हमारे लक्ष्य सही हो गए ना गुरुदेव के प्रति, भैया किसी ना किसी जीवन में तो मिल ही जाएंगे। पहले क्या करो, लक्ष्य को पहले अपना लक्ष्य को, और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं, केवल चाहिए तो क्या चाहिए, कैवल अज्ञम प्रयोजनम, केवल एक ब्रज प्रेम और गोपी प्रेम के सिवाय और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। वंशा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु भाई वचन पतिता नांग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः।